हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हम आज फॉर लूप की तीसरी प्रैक्टिस शीट सीरीज़ में हैं, जिसमें हम लोग कुछ प्रोग्राम्स का डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर हमने 6 प्रोग्राम लिए हैं, हम इनको बना करके देखेंगे कि कैसे हम प्रोग्राम्स को बनाते हैं इन फॉर लूप का यूज़ करके। तो चलिए देखते हैं पहले प्रोग्राम की तरफ। पहला प्रोग्राम है प्रोग्राम टू प्रिंट दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 4 बिटवीन 12 एंड 40 यूजिंग फॉर लूप। तो इस क्वेश्चन में दिया है कि आपको हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे फॉर लूप के कुछ प्रोग्राम्स के बारे में। ये हमारी प्रैक्टिस सीरीज 3 है, जिसमें हमने उन्हें कुछ प्रोग्राम्स को डिस्कशन किया है कि हम लोग फॉर लूप की प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ 6 क्वेश्चंस लिए हैं, जिनको हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है प्रोग्राम टू प्रिंट दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 4 बिटवीन 12 एंड 40 यूजिंग फॉर लूप। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको 12 से लेके 40 तक के उन नंबर्स को डिस्प्ले करना है जो 4 से डिविजिबल हैं। तो हमें देखना होगा कि हम कैसे इस प्रोग्राम को बनाएंगे। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि 12 से लेके 40 तक के सारे वो नंबर डिस्प्ले करने हैं जो 4 से डिविजिबल हो। तो यहाँ से हम समझ में आ रहा है कि हमें जो लूप है वो चलाना पड़ेगा, फॉर लूप, और उसको हम चलाएंगे 12 से लेके 40 तक, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। इसलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे फॉर आई इन रेंज, और उसके ब्रैकेट में हम चलाएंगे इसको 12 से लेके 40 तक चलाना है। तो आपको पता होगा हमें एक एक्स्ट्रा चलाना पड़ता है, तो हम 12 से लेके 41 तक इसको चलाएंगे कुछ इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, ऐसे नंबर्स डिस्प्ले करने हैं जो 4 से डिविजिबल हो। अगर हम लोग नॉर्मली ऐसा लिखते हैं प्रिंट, जिसके ब्रैकेट में डालते हैं आई, तो यहाँ पे क्या होगा, तो अगर हम ऐसा प्रिंट आई लिखेंगे तो उससे क्या होगा कि ये 12 से लेके 40 तक के सारे नंबर्स को डिस्प्ले कर देगा। देखिए, फॉर लूप को समझने के लिए और कुछ छोटे प्रोग्राम्स को समझने के लिए मैंने से जो प्रैक्टिस सेट्स की सीट बनाई है वो आपको देखनी पड़ेगी, और फॉर लूप का जो वीडियो है वो भी आपको देखना पड़ेगा। मैंने लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो पहले आप वो देख लीजिए ताकि आपको ये सारे प्रोग्राम्स बहुत ही आसानी से समझ में आ सकें। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। आई इन रेंज 12 से 41 प्रिंट में कर दिया आई, तो यहाँ पे क्या होगा, आई की वैल्यू डिस्प्ले होगी। तो आपको ये पिछले वीडियो में आपको बताया गया है कि आई के पास 1 बाई 1 12, 13, 14, 15 आता रहेगा। तो अगर हम सिर्फ इतने ही प्रोग्राम को रन कर देते हैं तो हमारा जो प्रोग्राम है उससे 12 से लेके 40 तक की काउंटिंग प्रिंट होगी। लेकिन हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ वो नंबर डिस्प्ले कराने हैं जो 4 से डिविजिबल हों। तो ऐसा करने के लिए हमें इस प्रिंट आई को कंट्रोल करना पड़ेगा, यानी कि ये प्रिंट आई तभी प्रिंट करना चाहिए आई की वैल्यू को जब वो आई 4 से डिविजिबल हो। तो हम ऐसा करने के लिए क्या करेंगे, एक इफ़ लगा देंगे और उसके ब्रैकेट में लिख देंगे आई मॉडुलस 4 इक्वल इक्वल 0। इससे क्या होगा, जब आने वाला कोई भी आई, आई में क्या, चूंकि सारी वैल्यू आ रही हैं 12, 13, 14, 15, तो आई के पास जो भी वैल्यू आएगी उसको 4 से डिवाइड करा करा के देखा जाएगा, और जब एक ऐसा आई आएगा जो 4 से डिविजिबल होगा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी तो ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है इसको हम इफ़ के अंदर रखने वाले हैं। तो अभी ये प्रिंट इफ़ के अंदर आ गया है, तो ये प्रिंट तभी चल पाएगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी, और ये कंडीशन ट्रू तब होगी जब आई 4 से डिविजिबल होगा। तो 12 से लेके 41 तक सिर्फ वही नंबर डिस्प्ले हो पाएंगे जो 4 से डिविजिबल हैं। तो हम लोग इसको रन करके देखेंगे इसके आउटपुट को। तो हमने F5 प्रेस किया, ओके करेंगे, तो हमने यहाँ पे देखा यहाँ पे सिर्फ वो नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं जो 4 से डिविजिबल हैं, 12, 16, 20, 24। तो इस तरीके से हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया, और आपने देखा होगा कि कैसे ये प्रोग्राम बन गया, कैसे हम लोगों ने कंडीशन लगाई। ओके, तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और हमारा दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं इसको क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है प्रोग्राम टू प्रिंट दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 3 एंड 5 बिटवीन
12 एंड 40 यूजिंग फॉर लूप। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको 12 से लेके 40 तक उन नंबर्स को डिस्प्ले करना है जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल हों। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में ये इशारा किया जा रहा है कि आपको एक लूप चलाना पड़ेगा जो कि 12 से लेके 40 तक चलेगा। ये हमारे पिछले प्रोग्राम्स में भी था। तो अगर हम सिर्फ इतना देखें तो हमें एक लूप चला दिया यहाँ पे फॉर आई इन रेंज 12, 41। ये बिल्कुल सेम रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि इस क्वेश्चन में भी 12 से 40 तक के लिए बोला है। अब इस क्वेश्चन में उसने ये बोला है कि आपको सिर्फ वो नंबर डिस्प्ले करने हैं जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल हों। तो ऐसा करने के लिए हमें अपनी कंडीशन लगानी पड़ेगी और उस कंडीशन में जो लगी है उसे चेंज करना पड़ेगा। हमें वो नंबर डिस्प्ले कराने हों जो 3 से डिविजिबल हों, तो हम लिखेंगे आई मॉडुलस 3 इक्वल 0, और इसके साथ साथ वो नंबर 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन ट्रू के लिए वो बोल रहा है, तो हम बीच में एंड लगाएंगे और हम यहाँ पर लिखेंगे आई मॉडुलस 5 इक्वल 0। हमने यहाँ पे एंड इसलिए लगाया है क्योंकि उसने बोला है कि जो नंबर 3 और 5 दोनों से डिविजिबल हों उनको डिस्प्ले करना है। तो जब दोनों कंडीशन ट्रू हों और ऐसा कुछ केस हो तो हम बीच में एंड लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें दोनों कंडीशन के ट्रू होने के बाद ही एक्ट करना है। तो यहाँ पे 3 की डिविजिबिलिटी देखी जा रही है और यहाँ पर 5 की डिविजिबिलिटी देखी जा रही है। तो जब ये दोनों डिविजिबल होंगे एक ऐसा आई मिलेगा, तो वो आई डिस्प्ले हो जाएगा प्रिंट आई की हेल्प से। तो इस तरीके से अभी अगर इस प्रोग्राम को आउटपुट करेंगे तो इसमें सिर्फ वो नंबर डिस्प्ले होंगे 12 से लेके 40 तक जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होंगे। तो हम लोग इसको रन करेंगे, हमने F5 प्रेस किया और हम जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ दो नंबर मिले 15 और 30, क्योंकि 12 से लेके 40 तक के बीच में सिर्फ दो ही नंबर ऐसे आते हैं जो 3 और 5 दोनों से सेम टाइम पर डिलीट हों, डिविजिबल हों। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये 12 से लेकर 40 तक के सिर्फ उन नंबर को डिस्प्ले करेगा जो 3 और 5 से डिविजिबल हों, और यही क्वेश्चन की डिमांड थी। ओके, तो इस तरीके से हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल बज नंबर्स फ्रॉम 1 to n नंबर्स यूजिंग फॉर लूप। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको 1 से लेकर n तक, n वो नंबर है जो यूज़र इनपुट करेगा, इसमें आगे लिखा हुआ है n इनपुट बाय द यूज़र। तो 1 से लेके n तक के बीच के उन नंबर्स को डिस्प्ले करना है जो बज हों, और इसको फॉर लूप का यूज़ करके बनाना है। तो इस क्वेश्चन में हमें ये समझना पड़ेगा कि बज नंबर क्या होता है, और दूसरा हमें इसमें यूज़र से n का इनपुट लेना पड़ेगा, क्योंकि लूप चलना तो 1 से है लेकिन चलना कहाँ तक है ये हमें नहीं पता, ये रन टाइम पर यूज़र देगा। तो इसको करने के लिए हम एक लूप चला देंगे और उससे पहले भी हम इनपुट लेंगे। तो हम अपना प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे n इज इक्वल टू, क्योंकि हमें n का इनपुट यूजर से रिसीव करना है, तो लिखेंगे n इज इक्वल टू int और ब्रैकेट इनपुट, और यहाँ ब्रैकेट में एक मैसेज देंगे एंटर अ नंबर, कुछ इस तरीके से। तो हमने यहाँ पर एक मैसेज दे दिया एंटर अ नंबर, तो यूज़र एक नंबर इनपुट करेगा। अब हमें जो अपना लूप है वो चलाना है 1 से लेके n तक। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंजेस करेंगे और इसको चलाएंगे 1, n+1 तक। तो इस तरीके से हमारा जो लूप है वो चलता रहेगा। इतना तो हमें क्वेश्चन में समझ में आ रहा था, तो हमने इतना कर दिया, क्योंकि उसने बोला है n का इनपुट यूजर से लेना है, हमने ले लिया, और हमें लूप चलाना है 1 से लेके n तक, तो हमने 1 से लेके n+1 तक लूप चला दिया। अब उसने बोला है कि 1 से लेके n+1 यानी कि वो नंबर जो यूज़र ने इनपुट किया है, तो 1 से लेके उस नंबर तक सिर्फ वो नंबर प्रिंट करने हैं जो बज हों। अब ये बज क्या होता है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ये जो बज नंबर होता है इसकी खासियत होती है कि वज नंबर वो होता है जो नंबर 7 से डिविजिबल हो, जैसे कि 21 7 से डिविजिबल है, तो ये एक बज नंबर है। तो एक ऐसा नंबर जो 7 से डिविजिबल हो, एक कंडीशन, और दूसरी कंडीशन ये है कि या फिर उस नंबर के जो यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है वो 7 होनी चाहिए। तो अगर कोई नंबर या तो 7 से डिविजिबल है, आ रहे तुम जाओ, तो हमें समझना होगा कि बज नंबर क्या होता है। तो बज नंबर की पहचान है कि बज नंबर वो होता है जो 7 से डिविजिबल हो, जैसे कि 21, अगर इसको आप 7 से डिवाइड करोगे तो ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो जो नंबर 7 से डिविजिबल है वो बज होता है, या फिर
वो नंबर जिसके यूनिट प्लेस पर 7 हो, जैसे कि यहाँ पर 17 दिया जो कि यूनिट प्लेस पर 7 रखता है और ये एक वज नंबर है। तो दो में से कोई भी अगर एक कंडीशन ट्रू होती है तो वो वज कहलाएगा, और अगर दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो भी वो वज कहलाएगा। तो कंडीशन हो गई 7 से डिविजिबल या फिर यूनिट प्लेस पर 7। तो अब इसको हम कंडीशन में कैसे उतारेंगे उसको समझते हैं। तो हमने लूप तो चला दिया है 1 से लेके एन तक, अब हमें एक कंडीशन लगानी होगी जिससे हमें पता चल सके कि वो नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो हमने इफ़ लगाया और उसके ब्रैकेट में लिखा आई मॉडुलस 7 इक्वल इक्वल 0। इसका मतलब है कि एक ऐसा आई जो 7 से डिविजिबल हो, ये हो गई हमारी एक कंडीशन। लेकिन उसने बोला है एक और कंडीशन के लिए, तो हम और लगाएंगे और हमें अगली कंडीशन में बताना है कि उस नंबर के यूनिट प्लेस पर 7 है कि नहीं, ये भी पता लगाना है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ये है कि हमें कैसे पता लगेगा कि उस नंबर के यूनिट प्लेस पर 7 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस नंबर की किनारे वाली जो डिजिट है, यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है, उसको निकालना पड़ेगा और उसको निकाल करके चेक करना पड़ेगा कि वो डिजिट 7 से इक्वल है या नहीं है, क्योंकि अगर वो है तो वो बज हो सकता है। तो हमसे बात करी जा रही है कुछ ऐसा करने की जिसमें मतलब है कि जैसे कि 17 लिखा हो और आपसे बोला जा रहा है कि इस नंबर की 7 को अलग किया जाए। तो हमें सोचना होगा कि हम इस नंबर के साथ ऐसा क्या करें जिससे इसका 7 निकल आए। तो अगर आप किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट प्लेस पर बैठी डिजिट को कभी भी निकालना चाहते हो तो आप उसमें मॉडुलस 10 करोगे। मॉडुलस 10 करने से क्या होता है, अगर आप किसी भी नंबर में मॉडुलस 10 करोगे तो रिजल्ट के रूप में हमेशा आपको उस नंबर का यूनिट प्लेस का डिजिट मिलेगा। जैसे कि आपने 17 को एग्जांपल के रूप में लिया, तो अब आप ये मैथमेटिकली कैलकुलेट करके देख सकते हो कि अगर हम 17 को 10 से डिवाइड कराएंगे तो हमारा जो कोसेंट वैल्यू है वो 1 आएगा और रिमाइंडर के रूप में हमें 7 मिलेगा। अगर आप कोई दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे कि आपने लिखा 287, तो अगर आप इसमें भी मॉडुलस 10 कराओगे तो आप मैथमेटिकली बिहेवियर से कैलकुलेट करोगे तो आप देखोगे कि रिमाइंडर के रूप में आपको 7 मिलेगा। तो इस तरीके से ये सीधा शॉर्टकट है कि अगर आप किसी भी नंबर में मॉड 10 कराओगे तो रिमाइंडर के रूप में आपको उस नंबर की लास्ट वाली डिजिट मिलेगी। जैसे कि अगर आपने 280 लिया और इसमें अगर आप मॉडुलस 10 करते हो तो भी आप देखोगे कि आपको रिमाइंडर के रूप में 0 मिलेगा और वो 0 इस नंबर की लास्ट डिजिट है। तो ये शॉर्ट ट्रिक आप अपने दिमाग में रख सकते हो कि कभी भी किसी भी नंबर का लास्ट वाला यूनिट प्लेस डिजिट निकालनी है तो आप उसमें मॉड 10 करोगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो उस नंबर की यूनिट प्लेस होगी। तो इसको कंडीशन में हम कैसे बनाएंगे, तो कंडीशन कुछ ये है कि अगर हम उस आई को 10 से डिवाइड कराएं, उस आई को 10 से डिवाइड कराएं और उसका जो रिमाइंडर आएगा वो अगर 7 के इक्वल है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने कॉलन साइन लगा दिया। ओके, तो अब इन दोनों में से जब कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और उस टाइम पर हमें उस आई को प्रिंट करवा देना है क्योंकि वो आई एक बज नंबर है। तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे प्रिंट आई। तो इसमें क्या होगा, अब ये कंडीशन जब सेटिस्फाई होगी तो वो प्रिंट आई प्रिंट हो जाएगा और वो आई एक बज नंबर होगा। तो ऐसे 1 से लेके एन तक के सारे बज नंबर हमारी स्क्रीन पर हमें डिस्प्ले हो जाएंगे। तो इसको हम लोग रन करेंगे, हमने F5 प्रेस किया, हम एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर हमसे वो मांग रहा होगा एक नंबर, यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर अ नंबर। तो हम क्या करेंगे, एक नंबर डालेंगे, जैसे कि हमने डाला 100। तो हमारा लूप 1 से लेके 100 तक चलेगा और 1 से लेके 100 तक जो भी बज नंबर होंगे वो सब डिस्प्ले होने वाले हैं। तो देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ पर बहुत सारे नंबर डिस्प्ले हुए हैं और ये सारे नंबर अगर आप क्रॉस चेक करके देखोगे तो 7 से डिविजिबल होंगे या फिर वो यूनिट प्लेस पर 7 रखते होंगे। तो वो सारे नंबर यहाँ पर डिस्प्ले हो गए हैं। तो इस तरीके से हमने देखा है कि एक बज नंबर के प्रोग्राम को हम लोग कैसे बना सकते हैं। पहचान आप समझ गए होंगे, बज नंबर वो होता है जो 7 से डिविजिबल हो या उसके यूनिट प्लेस पर 7 हो। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें लिखा हुआ है प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल द बीस्ट नंबर फ्रॉम 100 टू एन नंबर्स यूजिंग फॉर लूप। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 100 से लेकर एन तक के वो सारे नंबर डिस्प्ले करने हैं जो बीस्ट हों। तो हमें समझना होगा कि बीस्ट नंबर क्या होता है। तो पहले हमें जितना समझ में आ रहा है उतना प्रोग्राम हम बना लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है 1 से लेके एन तक, यानी 100 से लेके एन तक के सारे बीस्ट डिस्प्ले करने हैं। तो हमें एक बात समझ में आती है यहाँ पे कि हमें यूजर से एन का इनपुट लेना पड़ेगा क्योंकि हमें पता नहीं कि एन क्या है। तो हमने यहाँ पर एक एन का इनपुट लिया कुछ इस तरीके से। इसके बाद हमें एक लूप चलाना पड़ेगा क्योंकि
100 से लेके एन तक के सारे बीस्ट डिस्प्ले करने हैं तो हमें 100 से लेके एन तक तो लूप चलाना ही पड़ेगा। तो उसको देखते हुए हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर आई इन रेंज, और हम ब्रैकेट में लिखेंगे 100 से स्टार्ट करेंगे और जाएंगे एन तक, तो हमने यहाँ पे लिख दिया एन प्लस वन, कुछ इस तरीके से। अब हमारा लूप तो चल गया। अब उसने बोला है कि सिर्फ वो नंबर ही डिस्प्ले होने चाहिए जो बीस्ट हों, तो अब हमें पता होना चाहिए कि बीस्ट क्या होता है। तो बीस्ट की पहचान होती है एक ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 666 हो। तो अगर कोई ऐसा नंबर है जिसके लास्ट में 666 है तो वो नंबर एक बीस्ट नंबर होगा। अगर हम 666 की बात करें तो अगर किसी ने 666 डाला तो ये भी एक बीस्ट नंबर की काउंटिंग में आएगा। तो अब हमें पता लगाना पड़ेगा कि यूज़र ने जो नंबर डाले हैं उस नंबर से 100 से लेके उस नंबर के बीच में ऐसे कौन कौन से नंबर पड़ते हैं जिनके लास्ट में 3 times 6 आया हो, क्योंकि हमें उन सारे नंबर्स को डिस्प्ले करना है। तो हम ऐसा कैसे करेंगे? तो हमें अभी जस्ट हमने इसके पहले वाले प्रोग्राम में सीखा था बज वाले में कि अगर आपको किसी भी नंबर की यूनिट प्लेस की डिजिट निकालनी हो तो आप मॉडुलस 10 करते हो। तो मॉडुलस 10 करने से नंबर के पीछे से एक सिंगल डिजिट निकलती है। तो अगर हमें 2 digit निकालनी है पीछे से तो हम सीधा मॉडुलस 100 करेंगे, जिसकी वजह से पीछे से 2 digit निकलेंगी। और अगर हमने मॉडुलस 1000 किया तो पीछे से 3 digit निकलेंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा कि वो सारे नंबर हम डिस्प्ले करना चाहते हैं जो बीस्ट हों, तो हमें नंबर की पीछे से 3 digit को निकालना होगा और फिर उसको कंपेयर करना होगा कि क्या वो डिजिट्स जो नंबर से निकली हैं क्या वो 666 हैं। अगर हैं तो वो नंबर बीस्ट होगा और उसे प्रिंट हो जाना चाहिए। तो हम देखो इसको कैसे करेंगे। उसके लिए हमें इफ़ लगाना पड़ेगा। हम इफ़ के ब्रैकेट में एक कंडीशन लगाएंगे कि आई मॉडुलस 1000, तो आई मॉडुलस 1000 इक्वल 666 यानी कि 666। तो हम आई को 1000 से डिवाइड करा के देखेंगे और डिवाइड कराने से जो रिमाइंडर आएगा लास्ट की 3 digit के फॉर्म में, वो डिजिट्स कुछ भी हो सकती हैं हमें नहीं पता, लेकिन अगर वो डिजिट्स 666 से मैच करती हैं तो फिर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और उस आई को डिस्प्ले हो भी जाना चाहिए क्योंकि वो एक बीस्ट नंबर है। तो हम क्या करेंगे, इफ़ के अंदर एक प्रिंट लगा देंगे और उसके ब्रैकेट में लिख देंगे आई। ऐसा करने से क्या होगा, अब ये लूप 100 से लेके एन प्लस वन तक चलेगा और रास्ते में जितने भी ऐसे नंबर पड़ेंगे जिसके लास्ट में 3 times 666 आता है तो उस टाइम पर हमारा ये जो आई है, प्रिंट आई है, उससे वो प्रिंट हो जाएगा। तो इसको हम अगर आउटपुट करके देखें तो हम यहाँ पर F5 प्रेस करेंगे और एंटर करेंगे। हम यहाँ पर 10000 डाल देते हैं तो उससे, या फिर 1000 या फिर 10000 डाल देते हैं तो हम देखेंगे कि 100 से लेके 10000 के बीच के जितने भी 20 नंबर थे वो सब डिस्प्ले हो जाएंगे। तो 100 से लेके 10000 के बीच में सिर्फ इतने 20 नंबर आते हैं जो कि आपके सामने हैं। तो ये हो गया हमारा 20 नंबर का प्रोग्राम। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। कुछ इस तरीके से हमने इसकी कंडीशन को पूरा किया है। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, प्रोग्राम टू प्रिंट द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर यूजिंग फॉर लूप। तो देखते हैं इस प्रोग्राम को हमें कैसे करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें एक लूप चलाना पड़ेगा, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सम करना है। तो 1 से लेकर 10 तक एक लूप चलाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम उसका सम कर पाएंगे। तो ऐसा देखते हुए हम प्रोग्राम को बनाएंगे। हम इसमें एन का कोई इनपुट नहीं लेना, इसको हटा देंगे। हमें एक लूप चलाना पड़ेगा जो चल रहा हो 1 से लेकर 10 तक। तो ऐसा करने के लिए हम सीधा सा लूप चला रहे हैं 1, 11, क्योंकि हमें एक एक्स्ट्रा चलाना पड़ता है इसलिए हमने 1 से 11 चला दिया। अब इसमें करना क्या है, अब उसने बोला है कि आपको 1 से लेकर 10 तक के सारे नेचुरल नंबर का सम करना है। तो हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसमें हम आने वाले सम वैल्यू को स्टोर करेंगे। तो हमने एस नाम का वेरिएबल लिया और उसको 0 से इनिशियलाइज़ कर दिया। हमने 0 से इनिशियलाइज़ क्यों किया है अभी हम आपको ये बताएंगे। ओके, तो अब हम लोग हेलो हाँ अच्छा अच्छा बताइए। हाँ हाँ तो हमने बच्चों को ग्रुप पे 3 बजे मैसेज डाल दिया था कि छुट्टी है आज की। हाँ ग्रुप पे थोड़ा उस टाइम पर बिजी होंगे इसलिए। अरे हमने मैसेज छोड़ दिया था इसलिए कि सबको बच्चों को मिल जाएगा। भाई इसको फोन तो उठाना चाहिए ना, बट समय
नहीं बात तो सही है, नहीं उस टाइम पर हम बिजी होंगे, फोन अलग रखा होगा तो ध्यान नहीं दिया होगा। अच्छा तो कंप्यूटर की एक ली आई थी उस, और छुट्टियां थी क्या? अच्छा, हाँ, सही। ग्रुप में ऐड हो गया वो, उससे बोलो अगर ऐड देखो ऐड ऐड है कि नहीं, अगर नहीं है तो मैसेज कर दें, हम उसे ऐड कर देंगे। तो थोड़ा नहीं, सही बात है, सही है, सही। हाँ पढ़ने में तो ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, वो अच्छी है, बस थोड़ा लेट आई थी तो हम कवर करवा देंगे सारा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, हाँ सब ठीक, नमस्कार। तो हमने यहाँ पे लूप तो चला दिया 1 से लेके 11 तक, क्योंकि हमें 1 से लेके 10 तक के सारे नंबर्स का एडिशन करना था। हमने यहाँ पर एक वेरिएबल भी लिया एस नाम का, जिसमें हम एडिशन को स्टोर करेंगे। लेकिन हमें यहाँ पे समझना होगा कि सम आखिर में होगा कैसे। तो अगर सपोज़ करो कि हम आपको देते हैं कि आपको 1 से लेके 5 तक के नंबर का मल्टीप्लाई करना है, तो अगर आपको ये काम दिया जाता है मैथमेटिकली बिहेवियर से, आपको ये बताना है कि 1 से लेके 5 तक के नंबर का सम कितना है, तो आप एकदम से ना बता पाओगे। आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो आप कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से करोगे अपने मन में कि 1 प्लस 2 का ऐड करेंगे तो 3 आएगा, उसके बाद आप 3 में 3 ऐड करोगे, यानी कि जो आंसर आपने कलेक्ट किया था उसमें आप अगले नंबर का एडिशन करोगे यानी कि 3 का, तो आपका आंसर 6 बनेगा। उसके बाद आप 6 में अगले नंबर का ऐड करोगे यानी कि 4 का, तो आपका जो रिज़ल्ट है वो 10 हो जाएगा। उसके बाद आप इसी टेन में +5 करोगे, जिससे क्या होगा वो 15 हो जाएगा। तो ये जो चीज़ हुई, अगर इसमें हम थोड़ा सा ध्यान दें, तो हमने क्या किया, हमने एडिशन करने के बाद जो भी हमारी लेटेस्ट वैल्यू आई, हमने उसी लेटेस्ट वैल्यू में आगे वाले नंबर का ऐड किया, और उसके फिर जो वैल्यू आई उसमें हमने नेक्स्ट नंबर का सम किया, तो फिर नेक्स्ट वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से हम आने वाले आंसर में ही और जोड़ते गए और हमें एक नया आंसर मिलता गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमें क्या करना पड़ रहा है, सम करने के लिए हम एडिशन करते जा रहे हैं, और जो भी आंसर हमारा आ रहा है उसको होल्ड करे करे और आगे उसमें ऐड करते आ रहे हैं। तो एक वेरिएबल है जो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होता चला जा रहा है, उसमें आने वाले जो नंबर हैं 1, 2, 3, 4 वो ऐड होते चले आ रहे हैं। तो इसी काम को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो आपको एक सीधा शॉर्ट ट्रिक में लॉजिक बताते हैं। वो ये है कि जब भी हमें पुराना वाला आंसर साथ में लेके आगे बढ़ना होता है, तो हम कैलकुलेशन करते समय दोनों साइड सेम वेरिएबल रखते हैं, यानी कि एस इक्वल एस, उसी में हम प्लस लगाएंगे और हम ऐड करेंगे। एक ऐसे नंबर का ऐड करना है जो 1, 2, 3, 4, 5 हमें दे सके। तो हमें पता है हमारे पास लूप का वेरिएबल है आई, जो हमें पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 दे सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें आई का ऐड कर देंगे। ऐसा करने से अब आई के पास जो वैल्यू आएंगी 1 से लेके 10 तक, वो सारी वैल्यू इस एस में ऐड होती रहेंगी और हमें एक आंसर मिलेगा जो कि 1 से लेके 10 तक के नंबर्स का सम होगा। अच्छा, अगर आपसे कोई बोलता है कि आपको 1 से लेके 10 तक के नंबर का ऐड बताना है, तो आप आंसर के रूप में उसे एक वैल्यू बताओगे। वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आप कैलकुलेट करके बनाओगे और उस एक वैल्यू को बताओगे, यानी कि उसे आप सिर्फ एक आंसर दोगे, बहुत सारे आंसर नहीं दोगे। तो ऐसा क्यों पूछा जा रहा है आपसे, तो ऐसा इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि हमने जो कैलकुलेशन करी है, हमने जो लॉजिक लगाया है, उसमें हमारा जो आंसर है वो एस के पास है। तो हमें यहाँ से इतना तो पता चल रहा है कि हमें प्रिंट एस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा एडिशन एस के पास है। लेकिन अब हमें ये जानना होगा कि जो प्रिंट एस है वो लूप के अंदर रहेगा या लूप के बाहर। तो जब भी कभी प्रोग्रामिंग में हमें एक प्रिंट से एक आंसर चाहिए है, तो वो प्रिंट कभी भी लूप के अंदर नहीं होगा,
क्यों? क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है, अगर हमने उस प्रिंट को लूप के अंदर रखा तो जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार उस प्रिंट को भी चलना पड़ेगा, जिसकी वजह से मल्टीपल वैल्यू डिस्प्ले होंगी। तो एक प्रिंट अगर लूप के अंदर है तो वो एक बार डिस्प्ले ना होके मल्टीपल टाइम्स अपनी वैल्यू को डिस्प्ले करेगा, लेकिन हमें इस क्वेश्चन के चलते एक ही आंसर चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस प्रिंट को लूप के बाहर लिखेंगे। तो उसके लिए इसको करना बहुत ही आसान है, हम इसमें बैक स्पेस से पीछे कर देंगे और हम ये किनारे पर आ जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि अब ये जो प्रिंटेस है उसको लूप के बाहर माना जाएगा, यानी कि पहले ये लूप पूरी प्रोसेस करके एस के पास एक वैल्यू बनाएगा, और उसके बाद जब ये लूप से बाहर आएगा तो प्रिंट एस से क्या होगा, वो एस के पास जो वैल्यू पड़ी है वो डिस्प्ले हो जाएगी, यानी कि वो हमारा सम होगा। तो कुछ इस तरीके से 1 से लेके 10 तक के सारे नंबर्स का एडिशन स्टोर होगा और वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर हम थोड़ा सा प्रोसेस करके देख लें इसको तो भी हमें और अच्छे समझ में आ जाएगा। चलो देखते हैं कि ये कैसे चलेगा। तो एस की वैल्यू 0 है, सबसे पहले जब ये लूप चलना स्टार्ट करेगा तो एस की वैल्यू 0 है और आई की वैल्यू 1 है। तो अगर हम कैलकुलेशन करें तो हमारी कैलकुलेशन में आ रहा है 0 प्लस 1, तो इसका जो एडिशन होके एस में स्टोर होगा तो एस की लेटेस्ट वैल्यू हो जाएगी 1। नेक्स्ट टाइम एस के प्लेसेस पर यानी कि इसके प्लेसेस पर बैठेगा 1 और आई की वैल्यू इस टाइम पर 2 हो चुकी होगी। तो स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से होगा 1 प्लस 2, तो इनका एडिशन करोगे तो 3 होगा, जो कि एस में स्टोर हो जाएगा और एस की लेटेस्ट वैल्यू 3 हो जाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम एस की जगह पे 3 और आई की जगह पर भी 3 बैठेगा, क्योंकि आई की वैल्यू नेक्स्ट टाइम 3 होगी। तो 3 और 3 का ऐड करके जो वैल्यू बनेगी वो 6 होगी, वो 6 वैल्यू चली जाएगी एस के पास, तो एस की लेटेस्ट वैल्यू हो जाएगी 6। तो अगली बार एस के प्लेस पर 6 बैठेगा और आई के प्लेस पर 4 बैठेगा, क्योंकि आई इंक्रीज़ कर रहा है। तो 6 और 4 का एडिशन होके स्टोर हो जाएगा, जो 10 आएगा वो एस में वापस चला जाएगा और एस की लेटेस्ट वैल्यू 10 हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम एस के प्लेस पर 10 और आई के प्लेस पर 5 बैठेगा और इनका एडिशन बनेगा 15, और वो 15 वैल्यू चली जाएगी एस के ऊपर। तो माना कि हमारा जो लूप है वो सिर्फ 5 टाइम चल रहा है, और अगर हम 1 से लेके 5 तक के नंबर का एडिशन करना चाहें तो आप देखोगे कि उनका एडिशन 15 आया है। इसका मतलब ये है कि इस तरीके से ये प्रोसेस करके 1 से लेके 10 तक के नंबर का जो भी एडिशन है वो एस में कलेक्ट कर देगा, और उसके बाद फिर लूप से बाहर आके हम उस कलेक्टेड वैल्यू को डिस्प्ले करा देंगे, जो कि 1 से लेके 10 तक के नंबर्स का सम होगा। यहाँ पे हमने एस को 0 से इनिशलाइज़ कराया, उसका रीज़न ये था अगर हम इसको 0 से इनिशलाइज़ नहीं कराते तो स्टार्टिंग में एस प्लस आई में आई की तो एक वैल्यू है जो हमने रख दी 1, लेकिन इस एस की कोई स्टार्टिंग वैल्यू नहीं होती, जिसकी वजह से ये कहानी स्टार्ट नहीं हो पाती और एडिशन परफॉर्म नहीं हो पाता। इसलिए हमने एक ऐसी वैल्यू को चुना जिससे हमारे आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, और वो था 0। अगर हम इसको 1 से इनिशलाइज़ करते तो क्या होता, अगर इसको हम 1 से इनिशलाइज़ करते तो सबसे पहले स्टेप में एस के प्लेस पर 1 बैठता और 1 प्लस 1 का एडिशन होके 2 बन जाता। तो फिर हमारे आंसर में अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे तो हमारा आंसर 1 से लेके 5 तक का नंबर एडिशन करते करते यहाँ पर 16 हो जाता, यानी कि जो इसमें 1 स्टोर होता उसकी वजह से हमारे आंसर में एक वैल्यू का इंक्रीमेंट 1 ज़्यादा हो जाती, जो कि आंसर को गलत कर देती। तो जब भी आप कभी एडिशन करते हो ऐसे केस में तो उस वेरिएबल को हमेशा 0 से इनिशियलाइज कराते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर में 0 का एडिशन करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप 1 का एडिशन करोगे तो फ़र्क पड़ेगा। इसलिए हमने इसको एक ऐसी वैल्यू से इनिशियलाइज कराया जिससे कोई फ़र्क ना पड़े, और वो 0 थी और हमने इसको 0 से इनिशियलाइज कराया। ओके, तो इस तरीके से अभी हम इसको हटा देते हैं क्योंकि हमने समझने के लिए किया था। तो इस तरीके से हमारा ये जो प्रोग्राम है 1 से लेके 10 तक के नंबर का एडिशन ये बन चुका है। अगर इसको हम चला के देखेंगे तो हमारा आउटपुट हमें मिल जाएगा, हमने F5 प्रेस किया और एंटर किया तो यहाँ पर देखिए आप 55 आंसर आ रहा है। ये 1 से लेके 10 तक के नंबर्स का एडिशन है। तो कुछ इस तरीके से प्रोग्राम कम्प्लीट हुआ। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है प्रोग्राम टू प्रिंट द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स यूजिंग अ फॉर लूप, यानी कि फॉर लूप का यूज़ करके 1 से लेके 10 तक के सभी नंबर्स का मल्टीप्लाई स्टोर करना है, मल्टीप्लाई डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पर ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने सम किया था, इस वाले में हमें मल्टीप्लाई करना है। लगभग हमारा क्वेश्चन मिलता जुलता है। इसमें हमें समझ में आ रहा है कि फर्स्ट नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई करना है तो हमें 1 से लेके 10 तक लूप चलाना पड़ेगा, उसके बाद हमें मल्टीप्लाई करना है।
तो जैसे हमने सम किया है बिल्कुल सिमिलर तरीके से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, बस हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे कि हमें लूप में कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1 से लेके 10 तक के नेचुरल नंबर का बोला है, और ये लूप अभी 1 से लेके 11 चलेगा, मतलब 10 तक ही चलेगा क्योंकि एक एक्स्ट्रा लिखते हैं, तो ये लूप 1 से 10 चल रहा है। उसके बाद एस इक्वल एस प्लस, सेम एस जैसे आपने सम में किया, तो मल्टीप्लाई में भी आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आप मल्टीप्लाई करके वैल्यू बनाते जाओगे उस वैल्यू को छोड़ साथ में लेकर चलना है, छोड़ना नहीं है। तो साथ में लेकर जब हमें चलना होता है पुराने आंसर को, तो हम लूप के इक्वल के दोनों साइड सेम वेरिएबल रखते हैं, तो यहाँ पर भी एस इक्वल एस तो रहेगा पर यहाँ पर प्लस की जगह पर मल्टीप्लाई रहेगा क्योंकि हमें अब की बार प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब और आंसर इसमें भी एक आएगा, इसलिए हमें प्रिंट एस को भी लूप के बाहर रखना पड़ेगा कुछ इसी तरीके से, क्योंकि हमें फाइनली एक आंसर देना है। तो ये सब कुछ सही सही हो गया, बस अब हमें क्या देखना है, यहाँ पर एस इक्वल जीरो है ये थोड़ा हमारे प्रोग्राम को गलत करेगा। उसका रीज़न ये है कि क्योंकि जब भी आप किसी भी नंबर में जीरो का मल्टीप्लाई करते हो तो वो सारी वैल्यू को जीरो कर देता है, यानी कि अभी अगर इस प्रोग्राम को हम रन करा दें तो हमारे प्रोग्राम से जो आउटपुट आएगा वो ज़ीरो होगा, क्योंकि एस जीरो होने की वजह से सब कुछ जीरो हो जाएगा। जरा हम एक स्टेप चला के देखते हैं और देखते हैं कैसे ज़ीरो हो जाएगा। तो सबसे पहले जब ये लूप के अंदर आएगा तो एस की जगह पे ज़ीरो बैठेगा और वन की जगह पे वन बैठेगा, आई की जगह पे वन बैठेगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा यानी कि 0 × 1। तो अगर आप 0 × 1 करोगे तो उसका जो रिज़ल्ट है वो ज़ीरो आएगा और एस में ज़ीरो स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम एस के प्लेस पर बैठेगा फिर से ज़ीरो और आई की जगह पे आई अपडेट हो चुका है चूँकि, तो यहाँ पर 2 बैठेगा, लेकिन आप इसका मल्टीप्लाई करोगे फिर से एस ज़ीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से हर स्टेप में आई तो इंक्रीज़ करेगा लेकिन एस की वैल्यू बार बार ज़ीरो होती जाएगी। उसका रीज़न ये है कि हमने एस को ज़ीरो से इनिशलाइज़ किया है, इसलिए हम इसको ज़ीरो से इनिशलाइज़ नहीं करेंगे क्योंकि किसी भी नंबर में ज़ीरो का मल्टीप्लाई करने से सब ज़ीरो हो जाता है। अच्छा, हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा जिससे कोई वैल्यू में फ़र्क भी ना पड़े, ना घटे ना बढ़े और वो ज़ीरो भी ना हो, तो वो है 1। अगर आप किसी भी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करते हो तो वो वैल्यू में ना ही कोई चेंजेस करता है और वो जीरो भी नहीं करता है। तो हम एस को 1 इनिशलाइज करेंगे जिससे एस को एक स्टार्टिंग वैल्यू मिल जाएगी, और अगर हमने कुछ नहीं दिया तो कैलकुलेशन स्टार्ट नहीं हो पाएगी। तो हमने यहाँ पर 1 दे दिया। अगर हम 2-3 स्टेप चला के देखें तो एस इक्वल एस इंटू आई में सबसे पहले एस की जगह पर बैठेगा 1 और आई की जगह पर बैठेगा 1, तो 1 × 1 करोगे तो रिजल्ट में आपको मिलेगा 1 जो कि एस की वैल्यू होगी। नेक्स्ट टाइम एस की जगह पर बैठेगा 1 और आई की जगह पे बैठेगा 2 क्योंकि आई अपडेट हो चुका होगा, तो 1 × 2 करोगे तो अब इसका मल्टीप्लाई 2 होगा जो कि एस की वैल्यू होगी, और एस की जो लेटेस्ट वैल्यू है वो 2 हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम आई की जगह पे बैठेगा 2 और आई की जगह एस की जगह पे बैठेगा 2 और आई की जगह बैठेगा 3, तो 2 × 3 ये हो गया 6 और एस की वैल्यू लेटेस्ट हो जाएगी 6। तो इस तरीके से वो पुरानी वैल्यू को साथ में लेकर नए नए नंबर्स का मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ता जाएगा और एक मल्टीप्लाई इकट्ठा करेगा जो 1 से लेकर 10 तक के नंबर का मल्टीप्लाई होगा। तो कुछ इस तरीके से ये प्रोसेस करेगा और 1 से लेकर 10 तक के नंबर के मल्टीप्लाई को कलेक्ट करेगा। यहाँ पर हमने एस को 1 से इनिशियलाइज़ कराया, इसका लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि किसी भी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी भी नंबर में 0 का मल्टीप्लाई करने से फ़र्क पड़ता है, सारी वैल्यू को वो जीरो कर देता है। तो इसलिए मल्टीप्लाई के केस में 1 से और एडिशन के केस में हमें 0 से इनिशियलाइज़ करना होता है। तो हम इसको भी एक बार आंसर करेंगे, हम 1 से लेके 11 तक के नंबर्स का मल्टीप्लाई देखते हैं। तो हम जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 1 से लेके 10 तक के नंबर्स का मल्टीप्लाई करोगे तो ये काफ़ी बड़ी वैल्यू आ रही है, तो ये आने वाली है। अगर हमें देखना है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं, तो हम एक काम करते हैं, लूप को हम थोड़ा सा कम चला देते हैं, जैसे कि 1 से लेके 5 तक यानी कि 6 तक। तो अब ये 1 से लेके 5 तक के नंबर का मल्टीप्लाई देगा और 1 से लेके 5 तक के नंबर का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 120 मिलेगा। तो हम अगर F5 प्रेस करें तो हमें आंसर के रूप में अभी 120 मिलने वाला है, देखिए यहाँ पर 120 आ गया। तो इस तरीके से ये सही आंसर दे रहा है। तो ये हो गया हमारा 1 से लेके 10 तक के नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ वापस से 11 रख देते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, यहाँ पर लिखे हर एक स्टेटमेंट के बारे में आप समझ चुके होंगे। ओके, तो इस तरीके से हमने ये 6 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया अपने इस प्रैक्टिस सीरीज़ में। तो आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट मिलेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।